बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं जी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का है हमारा ये ब्लॉक्स पे, और ब्लॉक आज तो आए हैं इंशाल्लाह, जब इसको स्टार्ट करेंगे लगाना है इसको फिक्स करना, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे पूरा नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारे एज़ पर साइड एज़ पर ड्राइंग हम जो जैसे हमारी मेजरमेंट है वो भी आपसे एक्सप्लेन करेंगे। इसका जो हम मसाला ये पंजाबी में बोलते हैं बनाते हैं, जो इसका मिक्सचर ब्लैक सैंड और सीमेंट से, उसकी क्वांटिटी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये ब्लॉक है हमारे आज 3 के जो क्वालिटी के आए हैं इसमें आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये हैं जी 8 इंच के ब्लॉक हैं, ये 20 सेंटी के 8 इंच के ये ब्लॉक थर्मल ब्लॉक हैं। ये थर्मल ब्लॉक के एक्सप्लेन थोड़ा मैं कर देता हूँ आपसे। ये आप देख रहे हैं इसमें ये थर्मल ये शीट है, ये तो ये इसकी वजह से नमी बाहर से हीट बाहर से नहीं जाती, और ये आउटसाइड दीवार पे हम लगाते हैं, एक्सटर्नल लगाते हैं। और ये इसकी ये 10 सेंटी इसके इस साइड में ये 8 सेंटी और ये 2 सेंटी यानी 5 सेंटी, और ये हो जाता है तकरीबन ये 20 सेंटी है। ये इसको मिला के इसकी जो मेजरमेंट मैंने नहीं की, साइड में ये जो कंक्रीट है इसमें होल भी है आप देख रहे हैं, इसका ज़्यादा नहीं है, 1/2 सेंटी का और इस साइड में और 1/2 सेंटी का इसमें। ये इसको बनाया इस हिसाब से किया, जब मैं पहले यहाँ पे जब स्टार्टिंग में दुबई में आया हूँ तो उस वक़्त ये ब्लॉक जो थे सॉलिड ब्लॉक होलो ब्लॉक ही लगते थे, ये थर्मल नहीं लगाए जाते थे। तो ये 2004 में तकरीबन ये स्टार्ट हो गए थे होलो ब्लॉक जो इसके साथ में थर्मल ब्लॉक। इसकी वजह यही है कि यहाँ पे गर्मी होती है इस दुबई में यहाँ पे सहरिया में, तो उसकी वजह से ये थर्मल ब्लॉक का यूज़ किए जाते हैं। तो वैसे इस अच्छे हैं ये ब्लॉक, हमने अभी नई कंपनी से परचेज़ किए हैं, इसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो ईमैक्स कंपनी है इसका ये टैग ऊपर बल्दिया का अप्रूव, ये क्वालिटी इसका कोड सब कुछ लिखा होता है। ये जो यूनिमिक्स जो कंपनी है आप देख रहे हैं इसके ऊपर इसका पूरी डिटेल दी हुई है यूनिमिक्स की। तो इससे आपको क्या होगा कि इस पर जो भी नंबर वगैरह लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। इनका प्राइस भी बहुत अच्छा है, इसकी प्राइस भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। तो इसकी पहले हम डूकॉन कंपनी से लेते थे, तो इस दफ़ा हमने चेक किया दूसरा कंपनी, इसकी जो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है इस ब्लॉक की, वो मैंने देखा है कि अभी इसमें जो थोड़ा रफ आता था, रफ भी अच्छा होता था लेकिन क्वालिटी वाइज जो अभी ऊपर से गिराएं या तोड़ें तो इसमें थोड़ा मटेरियल अच्छा है। मैंने चेक किया पूरा इसका जाके इसके वेयर हाउस में, इंशाल्लाह उसका भी मैं विज़िट करवाऊंगा नेक्स्ट मेरा चक्कर लगता है। तो कैसे ये ब्लॉक्स बनते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, इसके बारे में भी थोड़ा मुझे टाइम निकाल के जाना पड़ेगा। तो ये थे थर्मल ब्लॉक। अभी नेक्स्ट जो है इसमें जो हमारा आया ब्लॉक वो है ये 10 सेंटी का 4 इंच का, ये होलो ब्लॉक है ये वाला, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर गैप है, तो 5 सेंटी इसका गैप होता है उसके, ये तकरीबन 5 से कम ही है, 4 सेंटी ऐसे गैप है। और ये भी मजबूत बहुत अच्छा है, ये हमने वॉशरूम की वॉल्स पे लगेंगे तो आपको दिखाएंगे, जब जहाँ पे ये हम इसको फिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि क्यों वहाँ पे ये हमें लगा रहे हैं। ड्राइंग में हमें इस तरह मिली है तो उसी हिसाब से हम लगाएंगे। और ये वॉल्स बात वॉशरूम के वॉल्स में ये होते हैं, बाकी जो अटैच कमरे के साथ वॉल आएगी उसमें वही हमारे 8 इंच के लगेंगे। ये 4 इंच के तो ब्लॉक हैं, होलो ब्लॉक हैं। तो इसको हमने ऑर्डर किया था जितनी हमें चाहिए थी क्वांटिटी 600 ये हमने लेके आए, और उसके बाद 700 अभी जो जैसे हमें साइड पे रखने की जगह का भी प्रॉब्लम होता है तो ये थर्मल हमने लिए हैं। तो अभी ये लेके जा रहे हैं हमारे आदमी इस पर, ये जो आप देख रहे हैं पंजाबी में इसको रेडी बोलते हैं, वैसे इसको ट्रॉली इंग्लिश में, और अरबी में इसको अरबाना बोलते हैं जी। ये ब्लॉक के लिए स्पेशल आप देख सकते हैं कि ब्लॉक्स के लिए जो ये हमारी ट्रॉली है वो थोड़ा अलग से डिफरेंट होती है, ये सेम दूसरी ट्रॉली जैसी नहीं होती, तो वो दूसरी भी हम यूज़ कर सकते हैं ब्लॉक्स में। अभी इसमें थर्मल में देखें क्योंकि ये उन्होंने कुछ ब्लॉक्स दिए होते हैं सम ब्लॉक्स, इसमें ये कट आप देख रहे हैं कि यहाँ से इसको ऐसे कट करेंगे थर्मल को
और ये इसके दो पीस बन जाएंगे, क्योंकि एक बस जगह जो आ जाती है बीच में स्पेस वो हाफ की होती है, तो तोड़ के अगर उसको हाफ बनाएंगे तो ब्लॉक जो है थर्मल पूरा ख़राब हो जाएगा। एक है ये सॉलिड ब्लॉक में और थर्मल ब्लॉक में ये कट वाले ब्लॉक ज़रूर आते हैं। ये हाफ है, यानी कि जहाँ पे ये अभी ये टोटल ये ब्लॉक की ये लंबाई है ये 40 सेंटी है, तो इसमें 20 सेंटी उसका एक पीस और 20 सेंटी उसका दूसरा पीस ये बन जाएगा। ये देखें हर बंडल में इसमें तकरीबन 8 से 10 पीस वैसे ज़रूर डालते हैं कि इसमें काम आ जाए, वो ब्लॉक ख़राब ना हो तोड़ने से। तो माशाल्लाह इसकी क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। ये तो ये जो कंपनी है यूनिमिक्स, ये यूनिमिक्स की कंक्रीट भी आती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका हम चेक करेंगे इसकी क्वालिटी, इसकी कंक्रीट की भी। यूनिमिक्स कंक्रीट भी बहुत बड़ी बिग कंपनी है दुबई में, और इसकी जो कंक्रीट का जो प्रोसेस है वो भी इंशाल्लाह आपको इस कंपनी का भी दिखाएंगे। तो बहुत हैवी होते हैं ये ब्लॉक्स, अभी दिखाते हैं आपको। अभी कुछ जो अंदर जो आ सकते थे उसमें बड़ा ट्रालर था, मैं यहाँ मौजूद नहीं था जब आए हैं ब्लॉक, मैं आउटसाइड था। तो ये जितने वो अंदर उतार सकता था तो वो उसने उतार दिए। ये तकरीबन हमारे यहाँ पे 9 बंडल तकरीबन हमारे यहाँ पे अंदर आ गए, और बाकी उन्होंने बाहर उतारे हैं। लेकिन बाहर ज़्यादा टाइम हम नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ जो RTA है, यहाँ का रोड जो कंपनी है रोड से रिलेटेड ये RTA है, बलदिया है, तो वो फिर ज़्यादा टाइम इसको नहीं रखने देते। आए हैं तो आप रखेंगे भी तो साइड पे थोड़ा इसको रखेंगे, रोड्स देख लें। आपको दिखाते हैं कि रोड जो है हमारा बिल्कुल क्लियर है, हमने फुटपाथ पे साइड पे रखा है। तो थोड़े टाइम के लिए रखनी हो तो फिर स्पेशली इसकी परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे मेन रोड भी नज़दीक है और एरिया भी ऐसा है ये जुमेरा साइड है, तो उसमें हमें एहतियात करनी पड़ती है। मजबूरी थी, हमें बाहर रखना पड़ा क्योंकि घर में जगह नहीं थी। तो अभी जहाँ पे बैक साइड पे हमें लेके जाना है तो वहाँ तो गाड़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए इसको बाहर हमने उतारा। तो अभी अंदर इसको स्टार्ट करें, इंशाल्लाह टुमारो इसको स्टार्ट करेंगे। अभी जो ब्लैक सैंड थी वो भी हमने अंदर स्टॉक कर ली है। ये हमारा सीमेंट है जो कि हमने कवर करके रखा हुआ है। बारिश थी आज सुबह मॉर्निंग में, फजर के टाइम पर बारिश आई थी, तो इसलिए मौसम ऐसे ही होता है दुबई का, कभी भी रेन आ सकती है नहीं आ सकती, तो इसलिए थोड़ा कवर करना होता है। बारिश आए ना आए सीमेंट को हम लाजम कवर करके रखते हैं। तो ये अभी यहाँ पर स्टॉक कर रहे हैं ब्लैक सैंड, तो जो देखिए आपने यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक कर ली थी ये अंदर इसके। अभी सीमेंट उधर है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी सीमेंट का तो वो लेंगे। अभी यहाँ से इन्होंने अपने हिसाब से इनको कितने चाहिए वो लाके ये रख रहे हैं। ये थर्मल है, आउटसाइड वॉल पे लगेंगे, यहाँ पे लगेंगे, ये जो जगह ऊपर है खाली, और इसके बाद में ये एरिया आप देख सकते हैं। पहली वीडियो में आपने इसको पूरा विज़िट किया देखा, और इंशाल्लाह विद इन 4-5 डेज इसका जो प्रोसेस होगा ब्लॉक का वो कंप्लीट हो जाएगा। दिखाएंगे आपको जैसे जैसे लगते हैं, तो रहिएगा हमारे साथ। तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा इसको ड्राइंग के हिसाब से, कौन सी वॉल में जो ब्लॉक हैं वो कौन से आ रहे हैं, कौन सी थिकनेस के थर्मल आ रहे हैं, होलो ब्लॉक 8 इंच के आ रहे हैं, और उसके बाद में 10 mm के जो हैं हमारे ये इसके 4 इंच के होलो ब्लॉक कहाँ पे आ रहे हैं, और विंडो पे कितनी हाइट पे से हमारी विंडो स्टार्ट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको वो सुनने में मिलेगा, आपको देखने में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही था जी, अपने रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।
they telling me to stop. Hey, got 20.